जिसने लिया सलमान खान से पंगा वही लेती है सबसे ज्यादा तनख्वाह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट की जो सैलरी है वो रिवील हो चुकी है। आपको बता दे किसको पर वीक कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, कौन है सबसे आगे, कौन है सबसे पीछे, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, तो खबरी ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो सैलरी सामने आई है वो मैं आपको बताती हूँ। और हम स्टार्ट करते थे, हम शुरू करते हैं पीछे से आगे आते हैं, मतलब जो सबसे पीछे जिनको सैलरी कम मिलती है हम उससे हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिग बॉस में अभी अभी जो घर से बाहर निकले हैं शहजाद देओल की, बिग बॉस कंटेस्टेंट शहजाद देओल की, जिनको पर वीक के मिलते थे 50,000 रुपए। जी हाँ, वही बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इनके बाजू दूसरे नंबर पे वो है जान कुमार सानू, जिनको पर वीक के मिलते हैं 80,000 रुपए। जी हाँ, तो वही बात करते हैं। आगे तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम सिंगर राहुल वैद्य की, जिनको पर वीक के मिलता है पूरा 1,00,000 रुपए, जिनको पूरे एक हफ्ते के मिलते हैं 1,00,000 रुपए। जी हाँ, आपको बता दें राहुल वैद्य का पवित्र पुनिया के साथ स्टार्टिंग में जब एक बार शुरू हुआ था तो थोड़ा उनका रोमांटिक सीन कुछ मतलब थोड़ा दिखाया गया था, दोनों की फ्रेंडशिप थोड़ी क्लोजनेस जो उनका आया था वो दिखाया गया था, लेकिन फिर अचानक से इन दोनों में अनबन हो गई थी। जी हाँ, तो आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे निक्की तंबोली, साउथ की एक्ट्रेस निक्की तंबोली की, जिनको एक हफ्ते का, जिनको पर वीक का इनको मिलता है 1.2 लाख। जी हाँ, तो अब बात करते हैं आगे पवित्र पुनिया की। जी हाँ, जिनके क्रश आजकल अभिनव शुक्ला हो रहे हैं, जो आजकल एजाज खान से काफी लड़ती नजर आ रही है, काफी घर में काफी हंगामा करती नजर आई है, एजाज खान से बहुत उनकी लड़ाइयां चल रही हैं बिग बॉस के घर में, तो उनको मिलता है करीब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। जी हाँ, वही आगे बात करते हैं अभिनव शुक्ला की, जिनको मिलते हैं 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख रुपए उनको मिलता है। जी हाँ, तो आगे बात करते हैं एजाज खान की, जिनको मिलते हैं 1.8 लाख। जी हाँ, एजाज खान भी आजकल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं अपने डिप्रेशन वाली खबर को लेकर, और यही पवित्र पुनिया के साथ जिनके झगड़े होते हैं इन सब को लेकर, इन सब के चलते वो काफी काफी खबरों में बने हुए हैं। वही रूबीना दिलैक के साथ भी एजाज खान का झगड़ा आजकल नजर आ रहा है। जी हाँ, तो वही आगे बात करते हैं निशांत सिंह मलकानी के, जिनको मिलते हैं पर वीक के पूरे 2 लाख रुपए। फिर आगे आते हैं हम जो बिग बॉस के घर से सबसे पहले निकली थी पंजाबी सिंगर सारा गुरपाल, जिनको मिलता है पूरा 2 लाख रुपए पर वीक का मिलता था, जिनको मिलता था 2 लाख रुपए पर वीक का। तो आगे बात करते हैं फिर टीवी की नागिन जैस्मिन भसीन। जी हाँ, टीवी की नागिन जो है जैस्मिन भसीन, वो काफी मतलब काफी इमोशनल है, बहुत जल्दी रो जाती हैं हमेशा, जब भी वीकेंड का वार आता है तो तब भी वो बोलते बोलते एकदम से अचानक से रो पड़ती हैं, तो मतलब काफी इमोशनल है वो बिग बॉस के घर में है जो। तो हमारी जैस्मिन भसीन को, नागिन को हमारी मिलते हैं पूरे 3 लाख रुपए। जी हाँ, तो आगे बात करते हैं सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, जिनको सबसे ज्यादा बिग बॉस पैसा देते हैं पर वीक के, जिनको मिलते हैं रूबीना दिलैक, जिनको मिलता है पूरा 5 लाख रुपए। जी हाँ, तो ये थी बिग बॉस कंटेस्टेंट की, फ्रेश जो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के उनको उनकी सैलरी, जिनको जिसको कितना मिलती है, कौन है सबसे आगे, कौन है सबसे पीछे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।